बच्चा लोग खाना खाने के लिए बिजी है अभी, ट्रेन में जो है खाना छोड़ के और कुछ काम है नहीं। चाय दोपहर को 2 बजे पी रहे हैं। फीका फीका खाना कोई सुधार नहीं है। आप लोग भी गोवा जा रहे हैं क्या? हम लोग भी भाई लोग जो गोवा जा रहे हैं, एक्चुअली हम लोग कोई प्राइवेट गाड़ी में नहीं है, हम लोग एक्चुअली बस में हैं। गुड इवनिंग, अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, जैसे बोले हुए थे वैसे ही हम लोगों का प्रोग्राम अभी चालू है। हम लोग जा रहे हैं गोवा, फिर जाएंगे मुंबई। अभी रात को 8:30 बज रहा है, हम लोग रेडी हो गए हैं, ओला उबेर दोनों गाड़ी बुला लिए हैं, जो आगे आ गया उससे निकलेंगे। यही हम लोग अभी प्रोग्राम है फिलहाल। बच्चा लोग जो है वो भी सब रेडी है, फिर क्या दिखाते हैं आप लोगों को, जैसे होगा फिर दिखाते हैं आप लोगों को। फिर बच्चा लोग ये देखिए, बच्चा लोग सब रेडी है, ये देखिए इतना लगेज हम लोगों का लगेज बना हुआ है, इतना लगेज बना है। सो स्टे ट्यून, रहिए फिर हम लोग आपसे मिलते हैं। गाइज अभी हम लोग गाड़ी में चढ़ गए हैं, यहाँ पे हम लोगों का डेस्टिनेशन अभी हावड़ा, यहाँ से अभी हम लोग जस्ट निकले हैं, 10 मिनट हुआ है। गाइज हम लोग हावड़ा स्टेशन में आ गए हैं, तो एक्चुअली हम लोग आए हैं करीब 1.5 घंटा पहले, मतलब ट्रेन का टाइम है 11:30 बजे अमरावती एक्सप्रेस, और हम लोग आए हैं मोटा मोटी 9:45 बजे तक हम लोग आ गए हैं। तो आके हम लोग थोड़ा सा जो है रात का जो डिनर है वो थोड़ा सा स्टेशन में ही बाहर में ही कर लिए, ताकि ट्रेन का जो 11:30 टाइम है चढ़ने के बाद फिर खाने का झमेला ना रहे, इसलिए हम लोग खाना खा लिए। और फिर हम लोग पूरा टीम जो है अभी हम लोग लेके पूरा टीम लेके चल रहे हैं। देखिए पूरा टीम का सिचुएशन, सब अभी चाय पीने के चक्कर में लगा हुआ है। एवरीबॉडी इज़ बिजी विथ द टी। यू कैन सी ट्रेन इज हियर। हम लोग और एक स्टेप आगे आ गए, जस्ट द ट्रेन स्टार्टेड 11:30 बजे के टाइम है, 11:35 हुआ है, जस्ट ट्रेन चालू हुआ है। अभी सुबह मिलते हैं, अभी गुड नाइट बोलते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, अभी हम लोग पलासा स्टेशन में आए हुए हैं, यहाँ ये आंध्रा में पहला स्टेशन है, ये वी हैव जस्ट अराइव्ड, यहाँ पे आए हैं। तो अभी ट्रेन 1 से 1.5 घंटा लेट है। अभी हम लोग वाइजैक स्टेशन में हैं, यहाँ पे आ गया है 1 घंटा के करीब, देखिए पीछे बोर्ड देख पा रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गया है। तो ट्रेन तो सुबह चाय नहीं हुआ था, इसलिए अभी चाय का जो व्यवस्था, चाय दोपहर को 2 बजे पी रहे हैं। दिस इज द टी टाइम, हम लोग का कोच था B2, ये है। तो अभी यहाँ से थोड़ा बहुत कुछ खाना ले लिए और फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे। अभी 3-4 मिनट हाथ में है, 20 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पे। बच्चा लोग खाना खाने के लिए बिजी हैं, अभी देख पा रहे दोनों ही अपने दोनों मूड में हैं यहाँ पे। लेकिन ट्रेन में जो है खाना छोड़ के और कुछ काम है नहीं, और सारा दिन रेस्ट करना, नींद तो होता नहीं है, तो खाना खाना है वही है बस। और नेट भी हम काम नहीं कर रहा है, तो वीडियो जो अपलोड करना चाहिए ऐसा कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा है। सो नो इशू, चलिए देखते हैं जैसे होगा। ट्रेन का खाना मतलब एकदम फीका खाना, कोई सुधार नहीं है। देखिए हम लोग खाना खोले हैं, खाना में क्या दिया है, खाने में दिया है अंडा दिया है, एक सब्जी दिया है, दाल दिया है, एक भुजिया दिया हुआ है, भात दिया है, और साथ में अचार दिया है, साथ में एक चम्मच ये दिया है। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि पहले ये खाना हम थोड़ा सा चख के देखे थे, जब बेटा बेटी खा रही थी तब हम देखे हुए थे, तो उसमें क्या देखे कि खाने में कोई टेस्ट नहीं है, मतलब जस्ट जो सब्जी आप देख रहे हैं ये वाला सब्जी का झोल है, इसमें कुछ है नहीं। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, ये झोल है, इसमें ये जस्ट झोल है, देखिए ये सब्जी है, ठीक है, इसको भी देखिए झोल है। तो ये दिया है 140 रुपये करके लिया है, यही स्टेशन में ख़रीदने के लिए गए हुए थे विशाखापत्तनम स्टेशन में, तो वो लिया था 100 रुपया, मांगा 100 रुपया, लेकिन हम लोग ट्रेन में पहले ऑर्डर दे दिए थे, इसलिए इसको हमें लेना पड़ा। तो जस्ट खाना खाते हैं फिर आप लोगों से बात करते हैं।
गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज आवर थर्ड डे। अभी हम लोग आए हैं हुबली स्टेशन, कर्नाटक के हुबली स्टेशन में। यहाँ पे 10 मिनट का स्टॉपेज है। एज यूजुअल ट्रेन में चाय नहीं मिला। भैया चाय मिल जाएगा? भैया चाय मिल जाएगा? दो चाय दीजिए। चाय वाला प्रॉब्लम, ये खाना मिलता है स्टेशन में। देखिए भैया दो चाय देंगे। चाय मिल गया। इडली ले ली। ट्रेन लेट पे लेट, लेट पे लेट, लेट पे लेट, खत्म ही नहीं होंदा। क्या बोलो भाई लोग, यहाँ पे फिर आधा घंटा हो गया। कैसल रॉक में फिर आधा घंटा हम लोग को वेटेज टाइम हम लोग का हो गया। ट्रेन छूटने का कोई नामो निशान नहीं, कोई नामो निशान नहीं भाई लोग। ये भाई जन से हम लोगों का भेंट हुआ है अभी। अपना नाम बताओ प्लीज। प्रकाश सागर। सब ओडिशा से है भाई लोग। अभी जो सब ट्रेन में परिचय हुआ, हम लोग निकले हैं यहाँ से तो जा रहे हैं, तो कस्ट्रोल स्टेशन में ही लोगों से परिचय हुआ। हम लोग कंपार्टमेंट में कोच में ही है, तो बंदे लोग अपना नाम बताओ। जो नहीं बताए वो अपना नाम बता दो भाई। मेरा नाम है ज्योति। मेरा नाम है सागर। मेरा नाम है प्रकाश, उड़ीसा से। मेरा नाम अभिजीत। अभिजीत, ये तो भाई जन हम लोगों के साथ जाएंगे। आप लोग भी गोवा जा रहे हैं क्या? भाई लोग जो गोवा जा रहे हैं, चलिए इन लोगों से गोवा में फिर भेंट करेंगे हम लोग। मौसम ब्यूटी है, देख के लग रहा है कि जंगल के अंदर से जा रहे हैं हम लोग। एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था, दैट वी हैव चेंज्ड आवर सिस्टम। हम लोग जो रिकॉर्डिंग का सिस्टम है, जो इक्विपमेंट उसको थोड़ा सा चेंज किया है। नाउ वी आर रिकॉर्डिंग इन DJI पॉकेट मिनी 2, तो वो नया हम लोग लिए हैं। लेकिन सी द ब्यूटी, आगे भी एक तो इंजिन है, देखिए आ रहा है वो, उसमें भी ऐसा ही है। सच में आ गया, देखो फाइनली हम लोग माडगांव स्टेशन आ गए हैं। ये परसों रात को हम लोग चालू किए थे 11:30 बजे। अभी बजा है 4:15। 2 घंटा के ऊपर ट्रेन लेट है। माडगांव स्टेशन में आके अभी हम लोग लगेज नीचे उतार लिए, फिर हम लोग यहाँ से निकल के फिर जाएंगे पंजिम, वहाँ से फिर आगे जाएंगे। बस पकड़ने का प्रोग्राम हम लोग को दिखाते हैं। अब लोग ये माडगांव स्टेशन के बाहर आए हैं, इसका एक ग्लिम्प आप लोगों को दिखाते हैं। ये माडगांव स्टेशन के बाहर में ये ऐसा है, बहुत सजा हुआ जगह है, लाइक एयरपोर्ट। ये आपका आता है कोंकण रेलवे में आता है। ये स्टेशन से बस लिए हैं, बस से हम लोग जा रहे हैं KDC बस स्टैंड से पंजिम को बस मिलेगा, फिर उसके आगे हम लोग जाएंगे। अभी जस्ट स्टेशन से उठ के जस्ट चालू हुआ है बस। इसमें टिकट लगा आपका 46 रुपीज़ का टिकट लगा। 2+2 मतलब दो बड़े जन का, दो बच्चे का टिकट, यहाँ ये टिकट का लगा। और यहाँ से फिर 3.4 किलोमीटर मतलब 4 किलोमीटर पड़ता है KDC बस स्टैंड फ्रॉम स्टेशन। वहाँ से फिर बोला कि पंजिम के लिए बस तुरंत मिल जाएगा, नॉन स्टॉप बस। फिर वे आर मूविंग फॉर दैट। सी द रूट, रूट ऐसा है। हम लोग यहाँ पे है, यहाँ पे सीधा जाके ऐसे करके ऐसा जाएगा KDC बस स्टैंड। ये है रूट मैप। अभी KDC में आए हैं, KDC बस पकड़ के अभी नया बस लिए हैं। यहाँ से लेके हम लोग जा रहे हैं पंजिम। और नेक्स्ट डेस्टिनेशन इस पंजिम। 4 जन का टिकट लिया, फुल टिकट हुआ। 3 साल के ऊपर बच्चे का, 1 साल के ऊपर बच्चे का फुल टिकट लगता है। तो दैट इज़ वाई मेरा 2 बच्चा भी 1 साल के ऊपर है। सो दे हैव टेकन 50 रुपीज़, तो 4 जन का हो गया 200 टका। तो वो हैव टेकन द बस हैज बीन स्टार्टेड। दिस इज इलेक्ट्रिकल बस एंड AC बस। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। मेरे को याद आ रहा है ये बैंकॉक, दुबई और ओमान, ये सब चीज़ का मुझे याद आ रहा है। ये सब रोड देख के सही में बोल रहे हैं, इंडियन बुरा नहीं मानना।
किसी को लगता है तो सॉरी फॉर देट। ये नया ब्रिज समुद्र पर बन रहा है अभी, ये बना नहीं, लोकल लोग बोल रहे हैं कि 1.5 साल अभी लगेगा इसको रेडी होने में। देखिए अभी हम लोग पणजी बस स्टैंड से गोवा राइड्स का ऐप्स डाउनलोड किए और वहाँ से एक सीडान गाड़ी, मतलब कौन सा गाड़ी है ये, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी लेके यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अभी कोलंबो टूर ना की तरफ, कैंडोलिम बीच के तरफ एक गेस्ट हाउस में जा रहे हैं। अभी बंदे से फ़ोन किए तो फ़ोन नहीं पकड़ रहा था, तो जस्ट उन्होंने फ़ोन पकड़ा तो जाके देखते हैं सिचुएशन क्या होता है। तो थोड़ा सा शाम हो गया, मतलब अभी दिस इज़ नाउ टाइम इज़ 6:15 हुआ है। तो फिर वही सीनिक व्यू ब्यूटी देखिए, गाइस जहाँ पे हम लोग खाना खाने आए हैं वो है हाया फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों तरह का खाना मिलता है। गाइस सारा दिन घूमने के फिरने के बाद ट्रेन से आने के बाद पूरा हैक्टिक दिन गया 3 दिन से, बाकी आपको पूरा अपडेट दिया गया है, दे दिए हैं हम लोग। तो एक्चुअली टुडे थोड़ा सा बहुत जर्नी हो गया, बस से हुआ, फिर आप लोगों को दिखाए, बस से हुआ, गाड़ी से हुआ, ट्रेन से, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद फाइनली नहा धो के अभी आए हैं, थोड़ा सा खाना खाने, एग्जॉस्टेड है। तो यहीं पे आज जो है वीडियो कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं आज का, नहीं तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा हो रहा है। टुडे आई एम जस्ट फिनिशिंग माई ब्लॉग। सो व्हाट द थिंग एंड ऑफ द डे, हम लोग एक रेस्टोरेंट में आए हुए हैं तो वहाँ पर जो खाना है उसको आपको दिखाते हैं। खाना हम लोग ऑर्डर किए हैं, ये देखिए, ये है ग्रीन सलाद, ये है बटर नान, ये है एग बिरयानी और ये है बटर चिकन और ये साथ में रायता है, ये सब दिया गया है। तो इसको जो है हम लोग 4 जन मिलकर इसको ख़त्म करते हैं कहानी, ठीक है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो और अपने परिवार को भी दिखाइएगा, इज़ अ फैमिली चैनल, आप लोगों को दिखाइएगा, अच्छा लगेगा। हम लोग अभी जो है गोवा में हैं, सो आप लोग विश कीजिएगा कि हम लोग का जर्नी अच्छा हो। हम लोग बॉम्बे करके यहाँ से गोवा से फिर बॉम्बे जाएंगे, यही हम लोग का प्रोग्राम में भी है, लेकिन अभी जो है फिलहाल यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और लाइक करना और ना भूलें, और अच्छा लगे तो शेयर कर देना प्लीज़। थैंक यू, यही बोलते गुड नाइट बोलते हैं, गुड नाइट, थैंक यू।